हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में, कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को तो वो आ जाता है फिजियो, सो ये कोई बिग डील नहीं है। गुलबदीन की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है उसके लिए तो उसको नॉमिनेट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी खराब एक्टिंग के हर किसी ने पकड़ ली। आई फील के बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है आईसीसी को लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, बिकॉज दैट वाज आई नो के वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे, वो 2-3 मिनट जाये करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, खांसी कर सकते थे, ऐसे शो कर सकते थे कि कोई गले में कुछ फंस गया है या मक्खी आ गई, कुछ आ गया, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज की ऐसे खड़े हुए और एकदम हैमस्ट्रिंग पकड़ ली और सब चले छड़े हो गया। उससे चला नहीं जा रहा, हीट ऑफ मूवमेंट हमें लगता है कई चीजें हो जाती है। खासतौर पर राशिद खान का इंसिडेंट देखे, वो सेकंड चाह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो खेला, चले उन्होंने बैट थ्रो कर दिया, हमने गली मोहल्ले की क्रिकेट में तो ऐसा देखा है, इंटरनेशनल कभी नहीं देखा। और जिस तरह गुलबदीन ने एक्टिंग की, जॉनसन ट्रॉट ने कोच ने कहा कि थोड़ा स्लो डाउन करे और उन्होंने उसी टाइम ही वो लेट गए, फांस भी तो सकते थे वो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप पता नहीं किन ट्रैक पे निकल गए, ये गेम्समैनशिप है वो, बल्कि मैं तो इतना ज्यादा इसको क्रेडिट देता हूँ कि कोच के कहने के ऊपर वो हर चीज करने को तैयार है। वो ठीक है, मतलब मेरा है कि जो उस वक्त लग रहा था कि शायद ये एक पार्टी जो है वो इसको पसंद नहीं कर रही है, बट सो व्हाट, ये हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में, कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को तो वो आ जाता है फिजियो, सो ये कोई बिग डील नहीं है। और बाकी ये इंस्पायर्ड, देखिए वो डू और डाई सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि हाँ, इतनी ज्यादा ये कंट्रोल क्रिकेट को किया जा रहा है, इतनी ज्यादा इसको हमने लॉस के अंदर इसकी जो एक स्पिरिट, जो एक एमेच्योरिश स्पिरिट है ना, जो एक इसकी एक हल्की फुल्की सी वाइल्डनेस है इस गेम की, जो कि फैंस तरस रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा इसको केजी बना दिया गया स्पोर्ट को थ्रू ये जो आपने बिठाए होते हैं मॉनिटर्स, कि आप अपना इजहार भी नहीं खुल के कर सकते, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना कोई आप स्लेज कर सकते हैं, ना आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं, आउट हो तो ऐसे करें तो आपको लेवल 1 का फाइन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हम इसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं खामखा को, आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर द गेम। ऑलराइट, अज़र अली साहब आपका भी, ऑब्वियसली रमीज़ भाई का अपना ओपिनियन है, बट आई फील के मतलब हर चीज होती है उसका एक तरीका होता है करने का, बट आई थिंक दैट वाज इवन राशिद खान वाजंट इंप्रेस्ड कि जिस तरीके से गुलबदीन ने किया, आई एम श्योर उसकी इंटेंशन टीम को जिताने के लिए होंगी, लेकिन एक होता है कि किसी चीज को भी तरीका, कुछ भी फील्ड आप सेट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप टाइम ले लें, आपके स्पिनर्स बॉलिंग करें, आपके पास एम्पल टाइम है, लेकिन इस तरह की चीज करना, आई फील के स्पिरिट ऑफ द गेम करना चाहिए था उनको, अगर टाइम आप फील्ड सेट कर रहे थे, आप फील्ड सेट कर सकते थे, कुछ आगे पीछे कर सकते थे, 2-2.5 मिनट आप किसी तरह भी जाया कर सकते हैं, खांस सकते थे, कुछ है खांस तो खांस सकते थे, ऐसे शो करा सकते थे, आपके गले में मक्खी आ गई, कुछ भी आ गया, तो आप जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही ऐसे खड़े खड़े ऐसे लगा किसी ने आपको शॉट कर दिया है, शूट कर दिया है, तो आई थिंक दैट इज नॉट, आई फील दैट इज नॉट ऑन, बट यू नो कि आपको तरीके वाली चीज करें, ऐसे नहीं है कि बस आपने आपके कोच ने कह दिया तो आप बैठ जाएं।